लोकल बनाम बाहरी की जंग में कूदे बसपा प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को बताया बाहरी। यूपी के कौसाबी 251 विधानसभा क्षेत्र सिराथू में इन दिनों लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के नामांकन करते ही हॉट सीट बनी सिराथू विधानसभा में सियासत तेज हो गई है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। इसी कड़ी में किसी बड़े नेता द्वारा टिकट दिलाने के आरोपों का खंडन करते हुए बसपा प्रत्याशी मुनसब अली ने चुनावी कार्यालय टेढ़ी मोड़ में प्रेस वार्ता कर इसे निराधार बताया। साथ ही उन्होंने ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को प्रयागराज तथा समाजवादी प्रत्याशी पल्लवी पटेल को कानपुर निवासी बताते हुए खुद को लोकल एवं जनता के बीच का बताया। उनका कहना था कि सिराथू विधानसभा मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि होने से जनता द्वारा मिल रहे अपार समर्थन को देखते हुए मुझ पर विपक्षियों द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी लोग हैं, ये अभी इससे भी ऊंची हरकत कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो धन है ये काम नहीं आ रहा। तो अभी तक जात वात का में बांटते थे, नफरत फैला